आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट फज, जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी और आपके घर में बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे जल्दी से मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, जिन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे नॉनस्टिक पैन पे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें इसे पाउडर्ड फॉर्म में नहीं रखना है, हमें इसे दरदरा पीसना है या कट कर सकते हैं आप नाइफ की हेल्प से, छोटा छोटा चॉप कर सकते हैं। अब हमें चॉकलेट मेल्ट करनी है, जिसके लिए मैं डबल बॉयलर मेथड यूज़ करूँगी। एक पैन लेंगे जिसमें पानी ऐड करेंगे, जब पानी उबल जाएगा उसके ऊपर हम एक बाउल रख देंगे जो उसके अंदर डिप ना हो, बड़ा हो और हीट रेजिस्टेंट बाउल हो, जिसमें हम चॉकलेट रख देंगे और उसे मेल्ट होने देंगे लो फ्लेम पे। बीच बीच में इसे हिलाते रहें। मैं यहाँ पे कोकोनट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, अनस्वीटेंड कोकोनट क्रीम। अगर आपके पास कोकोनट क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह नेस्ले या अमूल का कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है और रिप्लेसेबल है। मैंने 300 ml कोकोनट क्रीम यूज़ करी है, आप उतना ही कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करें ताकि ये भी अच्छे से चॉकलेट के साथ अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पे 1 teaspoon वेनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अच्छे से इसे हिलाते रहें, बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लें, अच्छे से इसे मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि जो क्रीम है वो चॉकलेट के साथ बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मेल्टेड बटर यूज़ करूँगी। मैं 2 tablespoon मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप उसकी जगह 2 tablespoon ऑयल या कोकोनट ऑयल या नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि बटर भी यूनिफॉर्मली चॉकलेट और क्रीम के बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जो हमने नट्स ड्राई रोस्ट किए थे उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे रेफ्रिजरेट करना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो नट्स को अच्छे से मिक्स करें ताकि यूनिफॉर्मली वो बैटर के साथ मिक्स हो जाए। बहुत ही क्रंची ये फज बनके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये अच्छे से बैटर मिक्स हो चुका है, अब इसे बेकिंग ट्रे में हम ट्रांसफ़र करेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही बेकिंग पेपर से लाइनअप कर लिया था, इसमें मैं बैटर को ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद यूनिफॉर्मली फ्लैटन कर देंगे किसी फ्लैट चम्मच और इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 2 से 3 घंटे। ये रेफ्रिजरेट हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।